से आप सब वेलकम है आपका हमारे प्यारे से चैनल राधा जोशी ब्लॉग पे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं हूँ इस समय पार्क में। तो एक राउंड लगा लिया जाए पार्क का और थोड़ी सी वॉक। तो गाइस ये था वो पार्क जहाँ पे मैं वॉक कर रही थी। ऑलमोस्ट मेरा एक चक्कर डन हो चुका था यहाँ से और बस ख़त्म कर रही थी तो सोचा आपको भी बाहर की वीडियोस दिखा दूँ, पार्क की वीडियो दिखा दूँ। और यहाँ पे ना देखिए पेड़ों पे कितनी धुंध और मिट्टी जमी हुई है, तो ये तभी क्लियर होगी जब बारिश होगी, एकदम चमक जाएंगे, बिल्कुल न्यू नम 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 कोर हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये था पार्क का व्यू और यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के मैं अपनी धन्नों से भी मिलवाऊँगी आपको। वो बाहर मेरा वेट कर रही है और उसके बाद हम निकलेंगे, मेट्रो पे जाएंगे और पहुंचेंगे स्कूल। तो ये मैक्स के पास का जो मतलब मैक्स हॉस्पिटल है जो उसके पास का बिल्कुल पार्क है। तो यहीं मैं कर रही थी वॉक और यहाँ पे बच्चे सुबह सुबह आ चुके होते हैं, 7:15 बजे ही बच्चों की भीड़ लग चुकी होती है जो खेलने वाले। प्राइज मिला देती हूँ मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स से आपको, जो कर रहे हैं अपनी हैंड राइटिंग को। और हैंड राइटिंग में क्या लिख रहे हो बेटा आप? अच्छा मतलब मंथ्स नेम लिख रहे हो, है ना? अच्छा नाम बता दो अपना क्या है? लक्ष्य गर्ग। ओके लक्ष्य, मजा आ रहा है राइटिंग करके? यस मैम। ओके तो लक्ष्य के बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम बताओ बच्चा, क्या नाम है? मैम प्रतीक। प्रतीक, प्रतीक राइटिंग करके कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। इम्प्रूव हुई है राइटिंग? यस मैम। ओके तो मैम ने अप्रिशिएट किया आपको? यस मैम, हम तो घर में भी लिखते हैं। ओके ठीक है। प्रतीक के बाद हम नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलने वाले, नाम बताओ बिट्टू अपना। हार्दिक पांडे तो नहीं है? तो हार्दिक अपनी राइटिंग दिखा दोगे जरा, कैसी लिख रहे हो? तो गाइस इस तरीके से हार्दिक की राइटिंग है और हार्दिक अभी सुंदर सुंदर और भी लिखने वाला है। हार्दिक राइटिंग इम्प्रूव हुई है कुछ राइटिंग क्लास में आने के बाद? हुई है पक्का? झूठ तो नहीं बोल रही हूँ, पैसे तो नहीं दे रही पीछे से कि झूठ बोलो अब? चलो ओके। हार्दिक के बाद हम एक बहुत ही प्यारे से स्टूडेंट से मिलने वाले हैं, नाम बताओ बच्चा अपना। रुद्र। तो रुद्र राइटिंग इम्प्रूव हुई है आपकी कुछ? यस मैम। अच्छा गाइस रुद्र ना मेरे पास अभी नोटबुक लेके आया था अपनी स्कूल की, तो उसमें नोटबुक में राइटिंग देखी है रुद्र की आप, कितनी इम्प्रूव हुई है। रुद्र सच्ची में पहले गंदी थी, अब अच्छी इम्प्रूव हुई है? मैम पहले बड़ी गंदी थी, अब इम्प्रूव हो चुकी है। ओके ओके वेरी गुड। तो रुद्र ने अभी हमें ना हिंदी भी स्टार्ट करनी है। रुद्र मजा आएगा हिंदी करके? यस मैम। कौन कौन चाहते हैं हिंदी स्टार्ट हो? वेरी गुड, हिंदी मजेदार होती है ना? मैम हिंदी में हाँ, फिर तो जरूरत नहीं है राइटिंग क्लास की। ओके तो गाइस अभी कंटिन्यू रखते हैं वीडियो को, तो नहीं मिलते हैं आगे एक प्यारे से और स्टूडेंट से। तो इनका नाम जान लेते हैं, नाम क्या है बेटू अपना बता दो। नहीं बोलना? नहीं तेजस नहीं बोलेगा, तो गाइस ये नहीं बोलना चाहता। तो तेजस के बाद हम मिलते हैं एक और बच्चे से, नाम बताओ बेटा अपना। काशिफ। काशिफ राइटिंग करके अच्छा लग रहा है? इम्प्रूव होगी राइटिंग? ओके तो काशिफ अभी राइटिंग लिख रहा है और अभी थोड़ी ही क्लासेस हुई हैं उसको लिखते हुए। और उसके बाद मिलते हैं एक और प्यारे स्टूडेंट से हम आपके साथ, कौन है भाई नाम बता दो। बैरिज। और बैकबोन स्ट्रेट करके बैठे हैं ना, मैंने पहले बोला था आपको, है ना? नहीं तो दर्द हो जाएगा बैकबोन में। और उनके बाद नाम थोड़ी तेज। अनुज। ओके अनुज राइटिंग क्लास करके अच्छा लग रहा है? ओके चलो कर लो अपनी राइटिंग, एक बार दिखाना राइटिंग कैसी लिखी है आपने। तो गाइस इस तरीके से राइटिंग है, लेटर फॉर्मेशन हो चुकी है, वर्ड्स तैयार हो चुके हैं हमारे। और ये सारे बच्चे जो अपने डेडिकेशन के साथ अपना अपना काम कर रहे हैं, बट एक बच्चा हमसे नहीं मिलना चाहता, वो अलग बात है, कोई बात नहीं। तो चलो बच्चा थैंक यू सो मच, आज बहुत कम बच्चे आए हैं बिकॉज सारे बच्चे गए हैं पिकनिक पर, तो जितने भी आए हमने उनको वीडियो में लिया और आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच ऑल, बाय गाइस। बाय गाइस। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू। तो भाई स्कूल से आते हुए मैं हो गया ही शॉप पर, शॉप से मुझे मैंने लिए वहाँ से रस जो पीने मुझे खाने मुझे चाय के साथ, अजवाइन ली मैंने, क्रैक्स लिए ताने के लिए और चाय बना ली अपनी, चाय के साथ मैं इंजॉय करूँगी इन रस को। और छोटा मोटा जो सामान था वो ख़रीदा अपने घर के लिए और क्रैक्स कुरकुरे नहीं, कुरकुरे नहीं है, क्रैक्स वगैरह हैं। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और ली, ये मैंने लिया मटर पनीर मसाला, तो इसको ट्राई करेंगे किसी दिन, रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और खा के बताऊँगी आपको कैसा बना ये मटर पनीर मसाला, ये वाला
से यूज़ करूँगी उसमें, और फिर देखते हैं कैसा बनता है। नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा बनता है या हमारा अपना देसी जुगाड़ सही रहता है, बताएंगे आपको। बने रहिएगा हमारे चैनल में हमारे साथ। आपके प्यार सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और देखते हैं क्या क्या ऐड ऑन हो पाता है वीडियो में अंदर, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में, बस यही ऑलमोस्ट रहेगा, देखते हैं। और तो गाइस हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। कढ़ी के लिए मैंने ये तड़के के लिए ले लिया है, इसमें है मेथी दाना और ये है लहसुन और ये है कड़ी पत्ता, धनिया और जीरा, ये सारा तड़के में जाएगा। और तड़के के साथ साथ ये है पकोड़े की सामग्री, इसमें मैंने आलू प्याज वगैरह सारा कुछ काट लिया है, नमक मिर्च हल्दी मसाले सारे मिक्स कर लिए हैं, मतलब एक तरीके का बैटर तैयार हो चुका है ये। तो ये इसके बनेंगे पड़के के पकोड़े। और ये है हमारा तड़के का सामान, तकड़े पकड़े सब मिला दिए मैंने। तो यहाँ पे है ये तड़के का सामान, ये है पकोड़े का सामान, और कढ़ी का बैटर मैंने बाहर बना दिया, अभी आपको दिखाती हूँ वो भी। तो चलिए बनाते हैं कढ़ी और करेंगे उसको इंजॉय चपाती के साथ। तो कलर कितना प्यारा लग रहा है ना, इसमें मैंने डाला है हल्दी, धनिया पाउडर, हल्दी मिर्ची नमक, और थोड़ा सा हमने डाला इसमें करी पत्ता काट के बारीक बारीक, और प्याज, आलू नहीं डाले मैंने भी इसमें, आलू भी डालूंगी बट अभी ये बिना उसके है आलू के, अभी थोड़ी देर बाद आलू भी डालती हूँ, देखती हूँ डालती हूँ ना डालती हूँ, वो मेरी चॉइस है। तो ये बैटर मैंने बना के रख दिया था 15-20 मिनट के लिए ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए, और इसके जो पकौड़े बने ना सॉफ्ट बने, वो टाइट टाइट ना बने। तो ये है हमारे पकोड़े की सामग्री। तो चलिए चलते हैं बाहर और बनाते हैं पकोड़े विद कढ़ी। तो गाइस ये रहा वो बैटर जो मैंने अभी बोला था कि मैंने कढ़ी के लिए बना दिया है। तो इसमें मैंने आज लस्सी नहीं यूज़ करी, आज मैंने इसमें यूज़ करा है दही, और दही में मैंने सारे मसाले जो डलते हैं कढ़ी के अंदर लाइक बेसन नमक मिर्च हल्दी वो सारा कुछ इसमें डाल के अच्छे से इसको फैट लिया है। और ये देखें आप मधानी इससे फैट लिया है, और इसको रखते हैं गैस के ऊपर और इसको बॉयल होने देते हैं, और साथ में करते हैं पकोड़े की तैयारी। पकोड़े आपके बताइए, मैंने सारा बैटर तैयार करके रख लिया, देन उसके साथ लगाएंगे तड़का, और ये डब्बे भी सारे सारे समेट देंगे, और साइड बाय साइड हमारा काम जो है वो एक साथ होता रहेगा। और हम कढ़ी के साथ खाने वाले हैं आज चपाती। तो चपाती के लिए मैंने को आटा भी लगाना है, पकोड़े भी बनाने हैं, और कढ़ी को खिलाना भी है। तो ये काम शुरू करते हैं फटाफट से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। गैस हो चुकी है और रख दिया हमने कुकर कढ़ी बनने के लिए, इसको ऐसे से खिलाएंगे थोड़ी देर, इसको उबलने देते हैं और करते हैं पकौड़े की तैयारी। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि कढ़ी हमने रख दी है और साथ में हम बनाने जा रहे हैं पकौड़े। पकौड़े के लिए मैंने कढ़ाई ले ली और कढ़ाई में डाल दिया है घी और रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड ऑयल में बनाने वाले हम पकौड़े। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पकौड़े डाल दिए हैं बनने के लिए इसके अंदर, और फटाफट से एक पकौड़े बन जाएंगे, बिकॉज थोड़े से ही कढ़ी है और थोड़े से ही पकौड़े बनाने हैं तो इंस्टेंट बन जाएंगे, और कढ़ी भी फटाफट से बन जाएगी। वैसे तो कढ़ी को लगते हैं 2-3 घंटे, बट वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हो। अब थोड़े से दही के आप बोलो कि मैं 2 घंटे कढ़ाई गैस पर रखूँगी तो वो इनफ नहीं है। पहले के ज़माने में होता था कि कढ़ी बहुत देर तक बनती रहती थी चूल्हे पे, ठंडी ठंडी आग पे बनती रहती थी, तो बट अब तो गैस है इंस्टेंट बन जाती है फटाफट, तो और थोड़ी थोड़ी चीज़ें बननी होती हैं। तो यहाँ पे बन रहे हैं अभी फटाफट से पकोड़े, और साथ में देख रहे हैं कढ़ी भी उबाल आ रहा है, कढ़ी को भी उबाल आ रहा है, तो हमारे 2 काम एक साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जिस कढ़ी को इसमें रखूँगी अभी, और देन हम क्या करेंगे जब पकोड़े बन जाएंगे ना, यहाँ पे मैं पलट लेती हूँ एक बार। तो पकोड़े ऑलमोस्ट देखिए बनने वाले हैं, बन चुके ही हैं, इसको उलट पुलट कर लेते हैं, और देखिए रंगत कितनी प्यारी आई है ना पकोड़ों की। और जो भी थोड़े बहुत कच्चे पकोड़े होंगे अभी थोड़ी देर के लिए और रखेंगे, और उनको निकाल के हम तेल भी निकाल लेंगे एक्स्ट्रा जो होगा कढ़ाई के अंदर। और देखिए मैं निकाल रही हूँ यहाँ से तेल, और जो भी थोड़ा बहुत तड़के के लिए तेल छोड़ देंगे कढ़ाई के अंदर, और इसी कढ़ाई में हम बना लेंगे हम तड़का। तो तड़के के लिए मैंने बताया था कि सारा सामान मैंने कटोरी में निकाल के रखा हुआ है, ये डाल दिया मैंने सारा का सारा तड़का उसके अंदर। और ये जब थोड़ा सा लाल फ्राई हो जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे वो भी देखिएगा वीडियो में, एंड तक बनी रहेगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो इतना काफ़ी वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हैं, थैंक यू सो मच आपका। और ज़रा सी भी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे हमारा जो तड़का है वो भी इंस्टेंट बनके तैयार हो चुका है, देखिए भुन रहा है और भुनने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप तो फील नहीं कर सकते। हाँ अब ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा तड़का, अब हम क्या करेंगे जो हमारी कढ़ी उबल रही थी ना साइड में उसको उठा के हम क्या करेंगे इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो भी देखिएगा अभी बस तड़का ऑलमोस्ट डन होने ही वाला है, हो ही चुका है। तो ये वाली कढ़ी जो मैंने बताया था आपको, कढ़ी उठा के इसके अंदर
कर देंगे। और अब बनेगी कढ़ी कढ़ाई के अंदर, तो यहाँ पे अब इसको देने देंगे उबाले, उबाला थोड़ा बहुत ही, ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं होना। बस धीरे धीरे आग भी थोड़ा थोड़ा उबलती रहेगी और इसको एक बार हिला देंगे। और इसके साथ साथ हमारे जो और भी काम है वो भी हम निपटा लेंगे। यहाँ पे कढ़ी हमारी बन गई है और बस डन होने ही वाली है, इसको बनने देते हैं। और आप देखिए ये जो पकौड़े जो तल के मैंने निकाले थे वो आ चुके हैं बाहर। तो ये रहे हमारे प्यारे प्यारे से पकौड़े और ये रही कढ़ी। और इसके साथ में हमने जैसे कि दूसरा बताया था मैंने आटा गूंदना है, तो अब चलो आटा भी गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आटा, एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आटा ताज़ा ही गूंदा जाए और उसकी रोटी भी अच्छी बनती है, रोटी लुकवाइज भी सुंदर लगती है और खाने में मज़ा भी आता है। तो इसको 15-20 मिनट के लिए हम गूंद के रख देंगे, जब तक बच्चे आएंगे तब तक ये थोड़ा सा रस मिस्सा सा हो जाएगा। इसको अच्छे से मुक्ति देंगे भी थोड़ी सी, और इसके बाद थोड़ा सा घी लगा के इसको एजिटेशन भी ढक कर रख देते हैं और चलते हैं कढ़ी की तरफ। तो ये है पकौड़े जो मैंने पहले भी दिखाए थे आपको, और यहाँ पे देखिए कढ़ी कितना अच्छा उबाल आ चुका है, ऑलमोस्ट कढ़ी कड़ चुकी है। और अब जो फाइनल आना है वो आने हैं इसके अंदर हमारे प्यारे प्यारे से पकौड़े। तो थोड़ी देर और इसको उबलने देते हैं और जो हमारा ऑलमोस्ट और काम था वो भी निपटा लेते हैं। और देखिए खदक रही है कढ़ी, खदकना मतलब उबल रही है कढ़ी। तो इस कढ़ी को उबलने का मतलब ये होता है ऑलमोस्ट हमारी कढ़ी डन हो चुकी है, साइड्स में लगना शुरू हो चुकी है और इसको बस फाइनल टचिंग देनी है, पकौड़े डालने हैं इसके अंदर। तो जितने आपकी मतलब ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग पकौड़े डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पकौड़े कढ़ी दूसरे दिन भी अच्छी लगती है। तो चलिए डालिए पकौड़े और इसको थोड़ा सा हिला देते हैं और इनको रेस्ट करने के लिए डाल देंगे अभी कढ़ाई के अंदर रहेंगे थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर जो कढ़ी का फ्लेवर है वो पकौड़ों के अंदर आ जाए और पकौड़ों का जो फ्लेवर है वो कढ़ी के अंदर चला जाए। तो इन दोनों का मेलजोल बना के रखना है और ढक देना है कढ़ी को, कढ़ी को ढक देते हैं और थोड़ी देर के बाद हम इसको चपाती के साथ इंजॉय करेंगे।